हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हमारी स्नेहा माँ की रसोई में बनने जा रही है इंस्टेंट पाव भाजी। तो आपको लगता होगा पाव भाजी बनाना बहुत ही झंझट का काम है, घंटों हमें किचन में खड़ा होना पड़ेगा, घंटों हमें चॉपिंग करनी पड़ेगी और कटिंग करनी पड़ेगी। बट आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है और 15 से 20 मिनट में आपकी मुंबई स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देख लेते हैं हमें कैसे बनानी है, करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिए 3 मीडियम साइज के प्याज, जिनमें से एक प्याज को मैं साइड कर दूंगी और इन दोनों प्याज को हमें इस तरीके से लंबा लंबा चॉप कर लेना है। और जो बाकी का एक प्याज है उसको हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। उसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों प्याज कट कर लिए। अब यहाँ पे जो ये वाला प्याज था इसको हमें बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों तरीके के प्याज को कट कर लिया। एक को हमें बिल्कुल मोटा मोटा कट करना है और एक को हमें रखना है बिल्कुल बारीक बारीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे दोनों प्याज की जो कटिंग हो चुकी है, अब चलते हैं आगे और रखते हैं गैस पर एक कुकर। तो यहाँ पे हमने कुकर रख दिया है। अब हम पाव भाजी बना रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत अच्छे से इसमें मक्खन डालना होगा। मैंने यहाँ डाल दिया 2 छोटी टिक्की मक्खन। इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, जिससे कि मक्खन हमारा जल ना जाए। और यहाँ पे हल्का से इसको मेल्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि मक्खन जो होता है बहुत जल्दी जलने लगता है। तो यहाँ पे ये मेल्ट हो चुका है थोड़ा सा। अब इसके बाद जो हमने मोटी प्याज कट करके रखी थी और सारी प्याज हम इसमें डाल देंगे और 1 सेकंड के लिए हमें इसी तरीके से प्याज को भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है क्योंकि इसका जो कलर है बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 1 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया था, और उसको भी हम साथ में डाल के इस तरीके से भून लेंगे 1 सेकंड के लिए। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और जीरे को भी अच्छे से भून लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। यहाँ पे मैंने लिए 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कट करके। इसी के साथ मैंने ले लिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर और इन टमाटरों को भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया। और यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया वो देसी टमाटर है, जिससे पाव भाजी में बहुत ही टैंगी फ्लेवर आता है। तो आप भी हो सके तो यही वाला टमाटर इसमें यूज़ करें। अब 1 से 2 सेकंड के लिए हमें टमाटरों को इस तरीके से चला लेना। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो नमक यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा ही यूज़ करना है, बाकी का नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी। तो बहुत ज़्यादा हमें अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इतना करना है कि टमाटर इसमें हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी लिड लगा देंगे। यहाँ पे हमें लिड को बंद नहीं करना है, केवल इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा खुला रखेंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए हमें ये करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से जो ऑयल था वो भी सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा मैश कर लूँगी टमाटरों को। अब यहाँ पे हम लेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया, जिसको मैंने धुल के साइड में रखा हुआ था। तो इस टाइम अगर हम धनिया डाल देते हैं उससे हमारी जो भाजी है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप पम्पकिन यानी कि कदुआ, इस तरीके से मोटा मोटा कट करके। इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिए 2 गाजर, जिनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए 1 कप फूल गोभी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए 1 कप शिमला मिर्च। तो आप अपने पसंद की इसमें कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए 2 आलू, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया, और सभी चीज़ों को हम साथ साथ मिलाते रहेंगे। और 1 कप इसमें मैंने डाली है मटर। अब यहाँ पे हम लेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया चुकंदर यानी कि बीटरूट, इससे हमारी पाव भाजी का जो कलर होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो ज़रूर आप इसमें ये भी ऐड करके देखें। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट भाजी बना रहे हैं, जिसके लिए हमें छोटी कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है सब्जियों की, इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से मोटी कटिंग करके ही डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1.5 कप पानी, इतना इनफ है इसके लिए। अब इसकी हम लगा देते हैं लिड और 4 सीटियाँ हम इसमें लगा लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद 2 मिनट के लिए जो हम गैस है वो सिम पे कर देंगे, जिससे कि सारी सब्जी हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो अब जो हमारे कुकर में 4 सीटियां लगने लगी हैं, और जब 4 सीटियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम पे कर दूंगी 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके, तो अच्छे से इसकी फ्लेम भी जो निकल चुकी थी, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर भी आ चुका है हमारी सब्जियों का, और बहुत अच्छे से सारी सब्जियां हमारी कुक हो चुकी हैं। तो ये देखिए सभी सब्जियां कितने अच्छे से कुक हुई हैं, बिल्कुल भी कोई सब्जी जो इसमें कच्ची नहीं है, बहुत अच्छे से सभी सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं।
तो यहाँ पे अब मैं आपको एक बार मिक्स करके दिखा देता हूँ। जो इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा होगा, जब हम इसको मैश करेंगे तो सारा पानी जो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुकर को रख लिया स्लैब काउंटर पर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर। अगर आपके पास ये वाला है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और मैशर है तो आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और सभी सब्जियों को हम अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी सब्जियों के चंक्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो यहाँ पे सभी सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हैंड ब्लेंडर को मैं निकाल देती हूँ बाहर और कुकर को हम रख लेंगे फिर से गैस पर। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सभी सब्जियाँ मैश हो चुकी है, कोई भी चंक्स इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और कितना बढ़िया हमारी जो भाजी का कलर भी आ चुका है। भाजी की जो कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही रखनी, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है इसको, इसलिए यहाँ पे जो इसमें से छींटे उठने लगते हैं तो वो छींटे आपके ऊपर ना लग जाए, इसलिए गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन और यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा कसूरी मेथी, जिसको हम इस तरीके से हाथों पे रब करके डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारी भाजी में। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा तड़का, और तड़का इसलिए बनाएंगे जिससे कि हमारी भाजी में एक उबला उबला सा टेस्ट ना आए। तो रख देते हैं हम साइड वाली गैस पर एक तड़का पैन, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन, और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी। और जब दोनों चीजें अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी, उसके बाद जो हमने बारीक प्याज कट करके रखा था वो हमने इसी के लिए रखा था, तो वो सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे। और प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है, केवल 2 सेकंड के लिए इसी तरीके से हमें प्याज को फ्राई कर लेना। और आप कहेंगे कि हमने बनाई है यहाँ पर पाव भाजी, बट पाव भाजी मसाला तो हमने इसमें ऐड किया ही नहीं, और वो पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे हम इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम कर देंगे इस टाइम पे बंद, जिससे कि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए। तो यहाँ पे हमारा तड़का जो रेडी हो चुका है, अभी तड़का हम डाल देते हैं अपनी भाजी में। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, जो कि हमारी भाजी में गर्मा गर्म टेस्ट ला कर देगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे और अपनी भाजी को सेट होने के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट जो भाजी बनके तैयार हो चुकी है इस तरीके से। अब भाजी तो हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम लेंगे इसके लिए पाव। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पाव का पैकेट, यानी कि बन का पैकेट। तो यहाँ पे पहले मैं इसको कट कर लूँगी और पाव को हम निकाल लेंगे बाहर। और आप चाहते हैं कि आपके जो पाव एकदम सॉफ्ट हो, जिस तरीके से स्ट्रीट पे मिलते हैं या फिर मुंबई में मिलते हैं, तो यहाँ पे ये वाले पाव तो एकदम सॉफ्ट थे जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बट कभी कभार क्या होता है, पाव भी थोड़े हार्ड यानी कि सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। उसके लिए आप थोड़ा सा इस तरीके से पानी ले लीजिए और हाथों की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस पर पानी लगा लीजिए। और बहुत ज़्यादा भी हमें पानी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी लगाना है। उसके बाद इन बन को आप उठा के रख दीजिए ओवन में केवल 2 सेकंड के लिए, जिससे कि ये बन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तब भी आप इनको सॉफ्ट कर सकते हैं, केवल तवे पे ही आप इसको रख दीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे मुझे इनको सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ये बन काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस तरीके से हम इन बन को पहले कट कर लेंगे 2 पीसेस में। तो यहाँ पे इन सबको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब रखते हैं हम गैस पर एक तवा, और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन, और मक्खन को हमें थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको मक्खन को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, केवल थोड़ा सा मेल्ट करना है। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। इसी के साथ आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो। यहाँ पे अच्छे से मसाले को इस तरीके से फैला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पाव थे वो भी रेडी हैं इस तरीके से। अब हम लेंगे 2 पीस बन के, और इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे मसाले के ऊपर, और दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से हम इनको थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे, और अच्छे से इनके ऊपर हम मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखते हुए अच्छे से हम इस तरीके से दबाते हुए थोड़ा सा हम क्रिस्पी कर लेंगे। तो जितना आप चाहें तो इनको क्रिस्पी कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना आपको क्रिस्पी चाहिए बन। तो इस तरीके से मैं दबाते हुए थोड़ा सा इनको क्रिस्पी कर ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारे बढ़िया से जो पाव वो भी बन के तैयार हो गए, एकदम मसाले वाले यहाँ पे रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी प्लेट लगा लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, बिल्कुल स्किप ना किया करिए। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अपना पूरा पूरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने यहाँ परफेक्ट और गर्मा गर्म भाजी को सर्व। तो देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है हमारी ये भाजी। और साथ में रख लेते हैं प्याज, थोड़ा सा नींबू,
और एक हरी मिर्च। और साइड में हम रख लेंगे अपने क्रिस्पी करारे पाव। तो बस यहाँ पे हमारी कंप्लीट जो थाली बनके रेडी हो चुकी है, लेकिन मक्खन के बिना ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं थोड़ा सा मक्खन और साथ में हम स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस यहाँ पे हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी या फिर मुंबई स्टाइल पाव भाजी आप कह सकते हैं बनके रेडी हो चुकी है। तो आपका क्या ख्याल है, आपका भी ये पाव भाजी की प्लेट अपने घर पर बना के तैयार करें किसी वीकेंड या फिर किसी फेस्टिवल पे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया सी एकदम डिलीशियस सी हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो चुकी है। तो आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी ये देखकर, तो जल्दी से जाइए किचन में झटपट और इंस्टेंट ये वाली पाव भाजी बना के तैयार करिए। आप लोगों ने कितना सिंपल ये इंस्टेंट पाव भाजी बनाना और झटपट आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज ये पाव भाजी रेसिपी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ साथ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।